हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कैनोनिकल फॉर्म. इन दिस क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर एलिप्स. सपोज द क्वेश्चन इज रिड्यूस द इक्वेशन दैट इज यू एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई विच इज इक्वल टू जीरो टू कैनोनिकल फॉर्म. वी हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन अ कैनोनिकल फॉर्म. वी आर फॉलोइंग अवर स्टेप्स फॉर प्रोसेस. अवर फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ दिस इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग हियर विच टाइप दिस इक्वेशन और विच टाइप द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज is so we are comparing this equation for the general form. We know the general form of second order linear partial differential equation with the two independent where here x and y both are the independent variable where u is dependent variable. In this equation u is dependent and x and y both are independent because this u is a function of x and y. So comparing this equation with the equation, सो हेयर एक्स यू एक्स एक्स का कॉफिशियंट क्या है ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर वन हो गई. एक्स वाई यहाँ पर है ही नहीं प्रेजेंट इन इक्वेशन में. यू वाई वाई में आपके पास सी की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर वी आर फाइंडिंग हियर डिस्क्रिमिनेंट. सो द फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो पुट द वैल्यू ऑफ बी ए एंड सी. सो दिस इज माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर. सो हम यहां से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं ये वैल्यू क्या होगी. हमेशा ही कैसी होगी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सिंबल आ रहा है. यहां आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि x स्क्वायर टर्म में है, तो ये ऑलवेज कैसी होगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा. बट जो 4 है उसके साथ जो सिंबल है दैट इज माइनस, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी. बट अगर x आपका 0 है तो क्या होगा, यहां पर x 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो यहां से हमें क्या रिजल्ट कंक्लूड करना है, दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल टू 0. सो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्स एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट x इक्वल टू 0. इस x इक्वल टू 0 को छोड़कर ये क्या होगी, इक्वेशन आपकी हमेशा ही एलिप्स होगी. एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला एंड एलिप्स. आपका हाइपरबोला कब होगा, जब ग्रेटर देन जीरो होगा इक्वल टू जीरो पर. पैराबोला और इलिप्स के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो पर. तो ऑलवेज वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव है. हम एक्स इक्वल टू जीरो को हमारा एक्सेप्शनल केस है. हम सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, हमारा सेकंड स्टेप. अब हमें इस इक्वेशन के क्या करने, ऑक्सिलरी रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ए लैम्बडा स्क्वायर माइनस बी लैम्बडा प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये सबके लिए फिक्स है. यहां पर ए बी और सी की आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट करनी है. तो ए आपका वन था, बी की वैल्यू जीरो थी और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी. तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई इससे, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास लैम्बडा क्या है, प्लस माइनस आयोटा ऑफ एक्स. नाउ द थर्ड स्टेप. फर्स्ट में हमने देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है. सेकंड में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ड्राइव करनी है. इक्वेशन के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर जाना है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx. फर्स्ट फॉर दो रूट्स हैं तो दो बार हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट आयोटा एक्स ले लिया, सेकंड आपने माइनस ऑफ आयोटा एक्स ले लिया. फर्स्ट अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहां पर क्या करें, हम यहां पर इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करें. कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, जब आप इक्वेशन को डीवाई अपॉन डीएक्स के लिए सॉल्व कर लेते हो. तो डीवाई अपॉन डीएक्स को हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पर हमने क्या सॉल्व किया, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. यही पोर्शन लिखा है, इंटीग्रेट करें साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करूं. डीवाई अपॉन डीएक्स दिस इज इक्वल टू आयोटा ऑफ एक्स dy upon dx which is equal to minus of iota x. यहां से हमारे पास आएगा this dy which is equal to iota x dx. y को सेपरेट इंटीग्रेट कर लिया तो आपके पास y आ गया. यहां पर इसको सेपरेट इंटीग्रेट किया तो यहां पर iota x square by 2 plus इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. आप कुछ भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं. मैंने यहां पर c1 ले लिया. सेकेंड जो इक्वेशन थी वो क्या थी, उसी आएगा y माइनस iota x square by 2 plus इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. सो इसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको. तो 2y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर आपका हो गया. मैम यहाँ पर 2c1 आएगा, तो यहाँ जरूरी नहीं है, आप कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो. मैंने अगेन c1 ही लिख दिया है, आप जो मर्जी लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पर. तो यहाँ जब ये इक्वेशन आई, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गया, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये हमारा है.
तो हमने अभी तक क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फाइंड आउट की, करेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट कर लिया. तो ये सभी में हमारा प्रोसेस सेम है. अब हम क्या करते हैं, इन करेक्टरिस्टिक कर्व के लिए फिफ्थ स्टेप हमारा करता है कि आपके पास जब करेक्टरिस्टिक कर्व आ जाए तो आपको इंट्रोड्यूस करना है न्यू कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्साई और ईटा, जो हम हाइपरबोला और पैराबोला की इक्वेशन में भी करते हैं. तो यही सेम प्रोसेस यहां पर भी करना है. हमें क्या करना है, एक्साई और ईटा इंट्रोड्यूस करें, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एक्साई इज ऑफ दिस एंड ईटा इज दिस. आपकी चॉइस है, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो. एक्साई मैंने C1 को ले लिया, सो दिस टू वाई माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर एंड ईटा दिस इज टू वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पर एक्साई और ईटा किस फॉर्म में आगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बिकॉज यहाँ आयोटा प्रेजेंट हो रहा है. यहाँ पर हमें तो आयोटा चाहिए ही नहीं, हमें रूट्स कैसे चाहिए, रियल चाहिए. कैनोनिकल फॉर्म या कोई भी एप्लीकेशन सॉल्व करें तो हमें क्या चाहिए, अभी तक रियल की बात हो रही थी, यहाँ पर रूट्स कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए. तो बाकी किसी भी इक्वेशन में जब हम हाइपरबोला और पैराबोला के लिए सॉल्व करते हैं तो तब हम ऐसा कुछ नहीं करते. बट यहां से मुझे एक्साई और ईटा से के अलावा एक नया इंट्रोड्यूस करना होगा वेरिएबल. आप जो मर्जी लेना चाहते हो, अल्फा बीटा में कंफर्टेबल हो अल्फा बीटा ले लो, ठीक है. एक्स वाई ऑलरेडी है यहां पर, कुछ फाई और साई लेना चाह रहे हो वो ले लो, ठीक है. बट अल्फा और बीटा में कंफर्टेबल क्यों होंगे जब आपके पास एक्साई और ईटा है. तो अब हमें क्या करना है, यहां से इस आयोटा को एलिमिनेट करना है. तो यहां पर अल्फा मैं फर्स्ट जो रूट लूंगी जब नई इंट्रोड्यूस करूंगी वहां पर इन दोनों के सम से, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस लूंगी. तो हम देखते हैं अल्फा में अगर हमारे पास अल्फा किस तरह से आएगा. दिस अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2 एक्साई प्लस ईटा. एक्साई की जो वैल्यू वो रख दी मैंने, ईटा की जो वैल्यू वो रख दी. 1/2 क्यों लगा रहे हैं, देखो यहां पर जब सम होके आएगा तो फिर वो क्या आएगा, 4y आएगा, ठीक है. तो हम इन दोनों सम को रिड्यूस करने के लिए, अदरवाइज क्या है, यहां पर भी हम जब यहां 2 लेंगे रियल रूट्स के लिए और इमेजिनरी के लिए 2 आयोटा लेंगे जहां पर बीटा है, तो यहां से क्या होगा, ये आयोटा वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा. अब यहां सम में तो 2y आ गया, बीटा के केस में क्या है, आपको 2y, ये याद रखना है. जब आप कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे आपको सेम प्रोसेस करना है. फिफ्थ स्टेप पर आपको आकर एक्साई और ईटा जब आपको इंट्रोड्यूस करे हो तभी आपको 2 रियल वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करने होंगे, अल्फा और बीटा, जहां पर अल्फा को आप लोगे 2 जो आपके एक्साई और ईटा उनके सम को डिवाइड कर रहे हो 2 से, और जब डिफरेंस ले रहे हो तो 2 आयोटा से. तो यहां से एक्साई और ईटा का जब हमने डिफरेंस लिया तो यहां से ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई का फंक्शन आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया. अब हमारे पास अल्फा आ गई, दैट इज 2y, बीटा आ गया आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. जहां पर हम एक्साई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो सेम प्रोसेस हमें अगेन रिपीट करना है. सिर्फ ये वाला पोर्शन आपके लिए नया हो गया. अब अल्फा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा. फंक्शन ऑफ जब इसके वाई के रिस्पेक्ट पे करोगे तो 2 आएगा. ये करते जाना है, एक्स एक्स आपने नया किया दैट इज 0. यहां पर फिर आपने जो एक्स अल्फा है आपने एक्स एक्स फाइंड आउट कर लिया, एक्स वाई फाइंड आउट करोगे तो अगेन 0. वाई वाई आपका है तो दैट इज 0, क्योंकि अब ये वाई के रिस्पेक्ट में तो 2 आ गया, बट अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे दैट इज 0. बीटा भी ये वैल्यूज निकालनी है यहां पर, इसका बीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, जो भी आपके जो जनरल इक्वेशन में, जो जनरल इक्वेशन में जो आपके पास पॉसिबिलिटीज है, एक्स एक्स वाई 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 एक्स एक्स, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है. ये सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब चीजें होती हैं, तो ये हमें उतने ही टाइम इसके डिफरेंशिएशन भी करना है. एक्स का कर लिया, वाई का कर लिया, एक्स एक्स का कर लिया, वाई वाई का कर लिया, और इन दोनों का मिक्स एक्स वाई का कर लिया. तो यहां से आप डिफरेंशिएशन तो इजीली कर सकते हो. तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आया, दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 2. सिमिलरली जब मैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो यहां वाई तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा. अब इसी फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में जब मैं कर रही हूं तो 0, और एक बार ही 0 आया तो सेकंड टाइम पे 0 ही आएगा. नाउ द लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप आपका क्या कहता है कि ये जो आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स एक्स और यू वाई जो आपके क्वेश्चन में है, उन सब की वैल्यूज आपको अल्फा बीटा के टर्म्स में पुट करनी है. तो हमें पहले निकालनी अल्फा बीटा के टर्म्स में, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करें. तो हमारा स्टेप कुछ इस तरह से होगी. वैल्यूज देखो, यहां पर भी जब मैंने यू एक्स एक्स को याद करने का फॉर्मूला, याद करने का तरीका बताया था, तो आप जरा दोबारा से नोट करना कि हम क्या करने वाले हैं. तो यहां आपके पास क्या है, यू एक्स एक्स है. तो यू एक्स एक्स के लिए आपके पास क्या, यू एक्साई एक्साई होता था, बट आपका वेरिएबल क्या है, एक्साई किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में.
और ईटा किस में हो गया है, बीटा में। तो यहाँ एक्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्साई की जगह अल्फा 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 एक्स स्क्वायर। देखो एक्स के साथ है, यहाँ पर हर बार एक्स ही आना है, फाई की कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यहाँ पर अल्फा किसका फंक्शन है, एक्स में, तो दो बार एक्स का स्क्वायर प्लस टू यू अल्फा बीटा। अल्फा किसका है आपका, एक्स का। मैंने कहा डिफ्रेंशिएशन में एक्स के बाहर लिख रही हूँ तो एक्स ही आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड फंक्शन भी आपका एक्स, अल्फा भी एक्स बीटा भी एक्स। सिमिलरली अब बीटा बीटा ले लिया तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स का है, यहाँ पर भी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पर भी ये किसका है, एक्स का है, यहाँ पर भी ये किसका है, एक्स का है। तो दोनों में एक्स के अल्फा एक्स स्क्वायर आएंगे। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, ये हम ज्यूम कर रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ है नहीं आपके फॉर्मूले में, तो यही चलेगा। तो यहाँ पर जो नई टर्म आएगी वो इस तरह से आएगी, अल्फा एक्स बीटा एक्स हो गई, यू बीटा बीटा, यहाँ से बीटा एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपके पास ये सेकेंड डेरिवेटिव वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, फर्स्ट अब आपको क्या करना है, यू अल्फा रखना है और यहाँ पर अल्फा एक्स एक्स लिखना है, इसी तरह यू बीटा लिखना है और यहाँ पर बी बीटा एक्स एक्स लिखना है। सारी वैल्यूज हमने रख दी, अल्फा एक्स आपका जीरो था, ये जीरो था, ये माइनस ऑफ टू एक्स था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सारी टर्म जीरो बन जाएगी। इसी तरह इसका स्क्वायर करोगे तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जीरो आएगी और यहाँ पर माइनस टू। तो अब हमारे पास जो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने पर ये आई, फोर एक्स स्क्वायर यू बीटा बीटा माइनस टू यू बीटा, ये हमारा फर्स्ट आ गई वैल्यू। सेकेंड में अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां एक्स की जगह आप हर जगह वाई पुट कर दो, तो यू अल्फा अल्फा एक्स की जगह क्या कहा मैंने, वाई किया, अल्फा बीटा यू एक्स की जगह वाई, यहां पर भी वाई, आप फॉर्मूले में ऊपर नीचे देख सकते हो, बीटा 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 वाई स्क्वायर यू अल्फा अल्फा वाई वाई, जहां भी एक्स था इस सेम फॉर्मूले में वाई रिप्लेस कर दिया है। जब एक्स वाई के लिए बनाओगे तो फर्स्ट आप क्या बनाओगे, एक्स, और सेकंड क्या बनाओगे, वाई। तो फर्स्ट एक्स के लेना है, सेकंड जब वैल्यू आएगी तो वो वाई में आएगी। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप अपने फॉर्मूलेज को थोड़ा नोटिस करना, यहां आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब लास्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या करा है, अब ये सारी वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और अपनी कैनोनिकल फॉर्म डिराइव कर लेते हैं। क्या किया, यू एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, फोर एक्स स्क्वायर यू बीटा बीटा, यहां पर माइनस ऑफ टू यू बीटा जो आपके उसमें था, ये आपकी यू एक्स एक्स की वैल्यू, यहां पर आपके पास क्या आई है, फोर एक्स स्क्वायर यू अल्फा अल्फा, ये एक्स स्क्वायर आपके क्वेश्चन का है, दिस इज इक्वल टू जीरो। फोर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, यू बीटा बीटा यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा, कैसे भी लिख सकते हो, यू बीटा बीटा यू अल्फा अल्फा विच इज इक्वल टू टू यू बीटा। फोर से यहाँ कैंसिल कर देते दिस टू, तो दिस इज इक्वल टू यू अल्फा अल्फा। इससे पहले वैल्यू रखना चाहते हो भी रख लो, बाद में रखना चाहते हो बाद में रख लो। बीटा किसके इक्वल था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक्स वाई नहीं आने चाहिए, अब आपके यू अल्फा बीटा ही आने चाहिए। तो कैनोनिकल फॉर्म में विदाउट एक्स और वाई क्या आएगा, तो यहां से आप देख रहे हो कि बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रख दी मैंने, तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ दिस बीटा लिख दिया है, सो दिस इज इक्वल टू टू यू बीटा के इक्वल आ गया। तो अब हमारे पास क्या आया है, दिस यू अल्फा अल्फा यू बीटा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू बीटा यू बीटा विदाउट एक्स एंड वाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, सो हैंस इट इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म फॉर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू बीटा यू बीटा। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इजिली सॉल्व होगा। थैंक यू।